बढ़ते आगे, असम विधानसभा में सीपीए के 8वें सम्मेलन का समापन समारोह है। समापन समारोह को संबोधित कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। जब देश में अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम सभी विधानमंडल युवा केंद्रित नीतियों का कार्यान्वयन एवं राष्ट्रीय विकास, लोकहित और युवाओं की ऊर्जा का व्यापक उपयोग करेंगे। हम इसके माध्यम से अपने अपने विधानमंडलों के माध्यम से सरकार से चर्चा करके, स्वयं संस्थाओं से चर्चा करके, अन्य लोगों से चर्चा कर समाज के हर वर्ग को इस अमृत महोत्सव में, इस कार्यक्रम में शामिल कर उनमें नई जागृति पैदा करने का काम करेंगे। साथियों, जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो मैं ये विचार आता है कि किस तरीके से हमारे नौजवानों ने इस देश की आज़ादी को दिलाने में अपनी कुर्बानियां दी, बलिदान दिया, और 7 दशकों के अंदर जब जब भी देश और प्रदेश में एक सकारात्मक बदलाव की दिशा दी तो उसमें युवाओं की विशेष भूमिका रही। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम किस तरीके से इस अमृत महोत्सव में उन युवाओं में ये प्रेरणा पैदा करें कि वह देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की भावना से अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से समर्पण कर देश और प्रदेश के विकास में अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग इस देश को लिए दें। यह हम सबका एक बातचीत में, चर्चा में एक निर्णय निकला है। मुझे आशा है हमारी नई पीढ़ी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जिस तरीके से हमारे कई साथियों ने अभी विचार व्यक्त किया, हमारे उपसभापति जी ने विचार व्यक्त किया कि किस तरीके से कठिन चुनौतियों में, कठिन से कठिन परिस्थितियों के अंदर हर चुनौतियों का ठीक से समाधान निकालने का काम इस देश में युवाओं ने किया है। हमारे युवाओं के नवाचारों को हम अगर चर्चा करने लगे तो दुनिया के अंदर हमारे नौजवानों की नवाचारों की ताकत, उनके आईटी सेक्टर, अन्य उनको विज्ञान तकनीकी तमाम क्षेत्रों की अगर चर्चा करने लगे तो दुनिया में भी जो परिवर्तन हुए उसमें भारत के नौजवानों की भूमिका है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि उन तमाम युवाओं को हम समग्र रूप से उनकी क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए इन लोकतांत्रिक संस्थाओं का उपयोग करें। मुझे आशा है कि जो चर्चा और संवाद होंगे, जो निर्णय हमारे हुए हैं, उन निर्णयों से एक सारगर्भित और सार्थक परिणाम यहाँ पर निकलेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी अपने अपने विधानमंडलों के माध्यम से राज्य सरकारों से चर्चा करके अपने यहाँ के राज्य के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय